हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गियर वाली बाइक कैसे चलाते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप भी गियर वाली बाइक को चलाना सीख जाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां सबसे पहले आगे जो लेफ्ट हैंड में होता है इसको कहते हैं क्लच, इसी को दबाते हैं तभी आपको गियर चेंज करने होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, यहां से रेस देते हैं और यहां पे ब्रेक होता है आगे का, ठीक है। और अगर आप बाइक ऑन करना चाहेंगे तो इसे चाबी घुमाइए तो बाइक ऑन हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो बाइक ऑन हो चुकी है। और हाँ, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना पैरों के, इसको कहते हैं गियर, ठीक है। अब आपको जो पहला गियर डालना होगा वो नीचे लगेगा, फिर बाकी के जो 4 गियर हैं वो ऊपर लगेंगे। 1 नीचे, फिर 2, 3, 4, 5 ऊपर लगेंगे, ठीक है। ऐसा करना होता है। लेफ्ट पैर से ना आपको गियर चेंज करने होंगे क्लच दबा के लेफ्ट हैंड से, और राइट साइड में ब्रेक होगी, है ना। और राइट साइड में आपकी ब्रेक है, ये वाली भी आपकी ब्रेक है, पर ये पीछे वाली ब्रेक है, ठीक है। और इसको कहते हैं किक, ये तो आपको पता ही होगा, खैर छोड़ो। सबसे बेसिक आपको बताता हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, आपको ना अपनी बाइक पे नॉर्मली ऐसे बैठ जाना है। जब आप बाइक पे बैठ जाएंगे इसको देख लीजिए कि ये न्यूट्रल पे है कि नहीं, ठीक है। तो मेरी बाइक न्यूट्रल पे, न्यूट्रल यानी कि ना अगर आप रेस भी देंगे ना तो गियर नहीं लगेगा। पहले मैं यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ। स्टार्ट कर लीजिए नॉर्मली अपनी बाइक को, जैसे कि आप देख सकते हो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो, मैं यहाँ से रेस दे रहा हूँ ना, आवाज़ कर रही है, लेकिन ये बाइक आगे नहीं बढ़ रही। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमें ना गियर डालना होगा। फिलहाल ये न्यूट्रल पे, मैं डालता हूँ फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको क्लच दबाना है, और ये देखो पैर का जो देख रहे हो ना, याद रखना क्लच दबा रखा है मैंने। पैर का जो है इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट गियर डल गया। खैर मेरे को दिखा नहीं रहा पर डल चुका है। एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो न्यूट्रल पे है गाड़ी, ठीक है। क्लच दबाया, पैर से ऐसे उठाया, फर्स्ट गियर डल गया, ठीक है। अब आपको बाइक को उठाना कैसे, तो देखो क्लच को ना धीरे धीरे छोड़ना, पूरा मत छोड़ना, ठीक है। ऐसे हल्के हल्के आगे बढ़ने लगेगी आपकी बाइक, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ने लगेगी ना तो तब आपको हल्का हल्का रेस दे देना है। जैसे मान के चलो इसको ना पूरा मत छोड़ देना, पूरा छोड़ोगे तो ऐसे देखो झटके से बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, फिर से क्लच दबाया और स्टार्ट कर दिया इसको फर्स्ट गियर में ही। तो इसको ना देखो पहले ऐसे धीरे 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 छोड़ना है, पूरा नहीं छोड़ रखा देखो मैंने क्लच, और ये देखो अपने आप बढ़ गया, रेस नहीं दे रहा मैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं पूरा छोड़ दूंगा क्लच, देखो बाइक अपने आप चलने लग गई, रेस देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैं रेस दूंगा देखो चलने लग जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल हमें इसको ऐसे ही चलाना होगा, ठीक है। बाइक को बहुत ही आसान है, मतलब बाइक चलाना नॉर्मली आपको देखो रोकनी है बाइक को। एक बार फिर से देखो, न्यूट्रल पे है बाइक, उसको क्लच दबाया, पहला गियर लगाया ऊपर की साइड, ठीक है। पहला गियर ऊपर लगता है, याद रखना, हर बाइक पे अलग अलग होता है बट मोस्टली ऊपर ही लगता है पहला गियर। फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये देखो चलने लग गई। अब यहाँ से आगे से राइट से रेस दे दिया, तो देखो गाइस ऐसे उड़ जाती है, क्लच छोड़ देना फिर, ठीक है। तो आपकी बाइक ना ऐसे नॉर्मली चलने लगेगी। गलती से सेकेंड गियर लग गया था मेरे से, पर सेकेंड गियर में भी उड़ जाएगी। फिलहाल तो मेरी थोड़ी ऑफ रोड वाली बाइक है तो ऐसे ऑफ रोड में भी चल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो नॉर्मली चल रही है आपकी बाइक फर्स्ट गियर पर। अब फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर पर कैसे चलाना है, तो उसके लिए आपको क्लच दबाना है, अब ऊपर उठाना है, ठीक है। गियर ऊपर उठाया और ये देखो फिर से क्लच छोड़ दिया, और ये देखो सेकंड गियर लग गया, थोड़ी तेज चलेगी, हल्का हल्का रेस दोगे। रेस छोड़ देना जब आप गियर चेंज करोगे। फिर से दिखाता हूँ जब आपको फर्स्ट गियर डालना है, ठीक है, क्या करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी गाड़ी है फर्स्ट गियर में, फर्स्ट गियर में है, ठीक है। नॉर्मल रेस दे रहा हूँ, रेस छोड़ी मैंने, क्लच को पूरा दबाया, गियर उठाया पैर से ऊपर, और धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया, धीरे धीरे क्लच को छोड़ दिया और थोड़ी थोड़ी रेस दे दी। तो ऐसे ही आप देख सकते हो मस्त चलने लग गई है अपनी बाइक। और आप सोचोगे रोकना क्या है, तो रोकने के लिए भी बहुत ही सिंपल है। अपना ना सीधा पूरा क्लच दबा दिया, और ये है आगे की ब्रेक, इसको और पैर से जो राइट साइड में ब्रेक होती है ना, इधर राइट साइड में, उसको धीरे धीरे दबाना, तो ऐसे हो जाएगी, रुक जाएगी आपकी बाइक। और फिलहाल मेरी बाइक सेकेंड गियर में है, तो मैं गियर उतार देता हूँ। जैसे हमने ऊपर लगाया था ना सेकेंड गियर, तो अब उसको उतारने के लिए नीचे करना पड़ेगा। तो एक बार नीचे किया, ये देखो नीचे न्यूट्रल में आ गई। खैर अभी फर्स्ट गियर पे थी, बहुत ही ईजी है बाइक चलाना। देखो फिर दिखाता हूँ आपको, सबसे बेसिक, सबसे मुश्किल ना यहाँ पे बाइक को उठाना ही होता है, ठीक है। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बस इसको ही करना, बाइक को आपको उठाना कैसे गियर में। अगर ये आ गया ना तो फिर तो कुछ भी चला सकते हो। देखो क्लच दबाया, पहला गियर लगाया नीचे की साइड, ठीक है, पहला गियर लग चुका है,
अब धीरे धीरे रेस छोड़नी है, पूरी नहीं छोड़नी, ठीक है। पूरी छोड़ोगे ना झटके से बंद हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए फिर आपको देखो स्टार्ट करा, धीरे धीरे मैंने छोड़ा क्लच, चलने लग गई बाइक, थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेटर मारा धीरे धीरे और क्लच पूरा छोड़ दिया। देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही आता है, मेरे को भी थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही आया था। अब देखो जैसे ये ना फुल स्पीड में चल नहीं रही, घड़घड़ कर रही है, ठीक है, फर्स्ट गियर में। तो अब मेरे को थोड़ा तेज चलाना होगा, तेज चलाने के लिए देखो रेस दी, रेस छोड़ी, क्लच दबाया, सेकंड डाला, गियर ऊपर उठा के और फिर से क्लच छोड़ दिया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे ही आपको बाइक चलानी है, नॉर्मल है बाइक चलाना, कोई बच्चों का खेल है। बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना ग्राउंड व्राउंड में, एक बार हाथ छाट हो जाए, क्योंकि एकदम से ट्रैफिक व्रैफिक आता है ना तो आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है एकदम से। नॉर्मली आपको बस क्लच दबा के बाइक को रोक लेनी है, दोनों ब्रेक दबा के, ठीक है, और उठाने के लिए वैसे ही उठाना है धीरे धीरे से, क्लच छोड़ना है और फिर उसके बाद आपको रेस देनी है। तो चलो देखो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ना यही है बाइक को कैसे चलाएं, ठीक है। देखो नॉर्मली सबसे इजी यही है, यहाँ रोड पे आ चुके हैं, ठीक है, बाइक मेरी न्यूट्रल पे है, इंजन भी ऑफ है, ठीक है, ऑन किया इंजन, अभी ऐसे ऑन हो जाती है बाइक, ठीक है। इसको पहले रेस ऐसे स्टार्ट किया अपनी बाइक को, स्टार्ट करने के बाद क्लच दबा दिया पूरे अच्छी तरीके से, क्लच दबा के ही गियर चेंज होगा ये याद रखना, वरना बाइक ख़राब हो जाएगी। अब मेरे को नीचे करना है, ऐसे नीचे किया तो देखो फर्स्ट गियर लग गया। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे एक्सेलरेटर देंगे तो उसी के साथ आपकी बाइक ना उठ जाएगी, काफ़ी ईजी है। दोबारा क्लच दबाया, सेकेंड गियर यूँ उठाया ऊपर की तरफ और ये देखो फिर से रेस दी, धीरे धीरे क्लच छोड़ के, और ये देखो गाइस सेकेंड गियर में लग गए। फिर से वही करेंगे, क्लच दबाया, ऊपर उठाया और ये देखो गाइस थर्ड गियर में लग चुकी है अपनी बाइक और मस्त चल रही है ना। काफ़ी ज़्यादा इजी है बाइक को चलाना। बाकी बाइक में अलग अलग फीचर होते हैं वो तो आप देख ही लोगे क्या क्या होता है। मेन होता है देखो इंडिकेटर, इससे राइट दिया मैंने, लेफ्ट हैंड पे है मेरे, और ये हॉर्न है। आपको कभी भी मुड़ना होना तो हॉर्न देते रहना और इंडिकेटर पहले ही दे देना। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे हॉर्न देता हूँ, थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ, देख लेता हूँ लेफ्ट साइड कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और क्लच दबा के देखो फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ा और फिर आगे बढ़ा दिए, तो ऐसे चल जाती है। अगर ऐसे ही रोक दोगे तो फिर रुके नहीं बाइक ना, आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा रोकने के लिए भी, और रोकना भी आना चाहिए। तो देखो ऐसे क्लच दबा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने गियर चेंज नहीं किया, मैंने बस क्लच धीरे धीरे छोड़ा और यहाँ पे रेस देना चालू कर दिया। ऐसे ही चलाते हैं बाइक गाइस, बहुत आसान है, बच्चों का खेल है। बाकी तो आप प्रैक्टिस पे है, बस आपको ना मेन उठाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि बाइक को उठाते कैसे फर्स्ट गियर में, वो आ गया ना फिर तो आप चला ही लोगे। और बाकी तो प्रैक्टिस में एक सब मैन परफेक्ट या वुमन परफेक्ट है ना सभी को, तो बस यही है। देखो नॉर्मली अपनी मस्त, फिर से मैंने देखो अब थर्ड गियर पे थी ना बाइक, क्लच दबाया यूँ उठाया और ये देखो गाइस अब आगे चल पड़ी है अपनी बाइक, काफ़ी ज़्यादा इजी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आपकी बाइक इतनी तेज है, आपको अचानक से रुकनी है। अब आप सोच रहे हो कि एक एक करके गियर डाउन करूंगा, ये करूंगा तो रुकेगी नहीं, कैसे रुकेगी समझ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना, क्लच दबाना है, ठीक है। क्लच को दबा के रखना और अपनी बाइक को ना ब्रेक लगाना पैर से, पैर के पीछे के ब्रेक होते हैं धीरे से, और हाथ के ब्रेक लगाना धीरे से, तो आपकी बाइक रुक जाएगी धीरे से। देखो बहुत ही आसान है अपनी बाइक को रोकना ऐसे, और दोनों पैर नीचे लगा देना। अब आप सोच रहे हो कि फिफ्थ गियर में कैसे मैं निकालूँ उस बाइक को, कैसे उठाऊं, कुछ नहीं, आपको ना बस ये देखो क्लच दबा के ही रखा हुआ है मैंने, ऐसे 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 करके ना पूरे गियर नीचे उतार देना चार पांच बार, समझ आ जाएगा आपको। देखो न्यूट्रल आ गया था ना मेरा, तो ये देखो न्यूट्रल लग चुकी है और सारे गियर उतर चुके हैं। न्यूट्रल लगाने के लिए भी ना थोड़ा सा हमें उठाना पड़ता है बस ऐसे क्लच दबा के, तो लग जाता है वो, थोड़ा प्रैक्टिस का खेल है। किसी किसी बाइक में आगे पीछे मतलब थोड़ा आड़ा तिरछा सा होता है न्यूट्रल लगाना, जल्दी आता नहीं है बट लग जाएगा आपको, बहुत हल्का सा उठाना पड़ता है ऊपर, जैसे हम फर्स्ट सेकेंड गियर लगाते हैं ना, जैसे हम सेकेंड गियर लगाते हैं वैसे। तो अब देखो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना है, तो क्लच दबा रखा है मैंने, बाइक रुकी हुई है अपनी, ठीक है, न्यूट्रल पे। अब फिर से उठाने के लिए क्या करना है, क्लच दबा दिया मैंने, देखो पूरी तरीके से फर्स्ट गियर लगाया, फर्स्ट गियर लग चुका है, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ठीक है, पूरा नहीं छोड़ा याद रखना, पूरा छोड़ोगे तो बाइक बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे एक्सेलरेटर दे दिया। जैसे ही आपको लगा कि स्पीड पकड़ लिया, क्लच पूरा छोड़ दिया, फिर से वही करना है, पूरा क्लच दबाया, ठीक है, सेकेंड गियर लगाया, सेकेंड गियर लगाते ही धीरे धीरे छोड़ा क्लच और फिर देखो रेस दे दिया। ऐसे ही करते रहोगे तो आपको आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से कमेंट में बताना कि आपको बाइक चलानी आई कि नहीं मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच, पीस आउट।